तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम अपने गांव के जहां पे ईंटें बनते हैं, जो ये आप सामने देख रहे हैं उसको भट्टा बोलते हैं, और यहां पे ईंटें बनते हैं और हमें काम लगता है तो हम लोग यहीं से ईंटें ले जाते हैं, और यहां का ईंटा बहुत ही मज़बूत होता है। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, तो सोचा कि मैं आपको यहाँ का वीडियो भी बना लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ईंटें किस तरीके से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये अभी कच्चे ईंटें हैं, अभी इनको बनाया जा रहा था और इनको अभी लाइन से लगा दिया गया है, धूप में रखे हुए हैं, ये बहुत जल्द पक्के हो जाएंगे। और गाइस, वो जो आप वो चीज़ देख रहे हो वो घोड़ा है, और उसको मेरा भाई गधा बोल रहा था, तो मैं बोला कि वो गधा नहीं है, घोड़ा है। तो दोस्तों, ईंटें बनाने में ईंटें भी बहुत ज़्यादा फूट जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, और ईंटा बनाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, ईंटें बना के किस पे लाद के ले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं हम लोग, उधर उधर। तो दोस्तों, यही चीज़ है जिस पे ईंटें लाद के हर जगह सब लोग ले जाते हैं, और इसको घोड़े पे, इसको पहले वो वाला जो है घोड़े पे बांध देते हैं, और घोड़ा इसको खींच के ले जाता है। और यहाँ पे बहुत ही मज़बूत ईंटें बनते हैं, और इन ईंटों का नाम है साकेत ईंटा, जो कि बहुत ही मज़बूत ईंटा है। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं ईंटें बनाने में। और पहले ये लोग ईंटें बनाते हैं, फिर उसको धूप में सूखा करते हैं, फिर इसको एक लाइन से लगाते हैं, फिर हर जगह पे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तो ईंटें बन नहीं रहे हैं, बन के तैयार हो चुके हैं। और गाइस, ये देखिए कितना प्यारा घोड़ा है। इसी घोड़े पे लाद के ले जाते हैं ईंटें सब। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताया था आपको, जैसा भी वीडियो, जिस तरीके का वीडियो चाहिए, सिर्फ कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, तो मैं वैसा वीडियो आपके ज़रूर बना के दिखाऊँगा। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड खुदा हाफिज़।